क्या आपका प्रैक्टिस शीट नंबर कितनी करनी है? नहीं। इस शीट चापर की सीखन लगी है। इसे चुना लगी है 1.1 कॉम्पिटेंसी है, मतलब की है डेवलप्स अ सेंस फॉर एन एबिलिटी टू मैनिपुलेट, मतलब आप चीजों को मैथ दी स्टेटमेंट को पढ़ना, पढ़ के फिर समझना, समझ के फिर जो उन्होंने चीज लिखी है उन्होंने लिखना मैथ की भाषा विच, वो चीज आप सीखा, ठीक है? जिवें हुण पहला सवाल जी इंग्लिश है, डिजिट एट यूनिट प्लेस इन क्यूब ऑफ द ग्रेटेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर। पंजाबी च दो अंकां दी वड्डी तो वड्डी अभाज संख्या दे घन दे इकाई दा अंक हुण जेड़े जेड़े मैं लाइन अंडरलाइन कीता आपां पढ़ लिया पर आपां समझ के ते लिखना मैथ दी लैंग्वेज। दो अंक मतलब मैथ विच दो अंकां दी रकम दा की मतलब होया? दो नंबर जिवें 15 है, 15 च 1 ते 5 दो नंबर लिखे ना तेनू दो अंकां दी तां उस तों बाद कहिंदा दो अंकां दी आपां 15 नहीं लैणी, केड़ी रकम लैणी है? वड्डी तों वड्डी अभाज संख्या। हुण अभाज संख्या दा मतलब की हुंदा है? जेड़ी किसे टेबल ते डिवाइड ना हो तां कहिंदा दो अंकां दी वड्डी तों वड्डी, यानी कि दो अंकां दी सब तों वड्डी अभाज संख्या केड़ी है? पहला आप मैथ विच ये लिखी, बाकी गल बाकी रखो। हुण दो अंकां दी पहला मैनूं दसो सब तों वड्डी रकम केड़ी है? 99। हुण 99 किसे भाड़े दे टेबल डिवाइड हुंदी है? ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 99 ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 99 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ? 98। 98 ਕਿਸੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 2 ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ 98 ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਆਊਗਾ 97, ਇਹ ਕਿਸੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ? 97। ਇਹ ਨੰਬਰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਥ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੀਪੀਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਹੈਨਾ? ਦੇ ਘਨ, ਘਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਊਬ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਕਿਊਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? मतलब घन मतलब घात, पावर दे इकाई यूनिट डिजिट केड़ा मतलब इंदा की सात इकाई दा सात कहंदा उने 97 दी घात 3 दा जेड़ा जवाब आऊगा उंदा इकाई दा अंक केड़ा है? कहंदा 97 दी घात 3 मतलब पावर दा मतलब कहंदा 97 नु किन्नी बार लिख रहा है? 3 बार। 3 ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ 97 ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਲਿਖ ਲਏ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਚ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਪਿਛਲਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ। 7 × 7 49। ਹੁਣ 49 ਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਨੰਬਰ? 9 × 9 = 7 ਦਾ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਕੀ ਆਊਗਾ ਜਵਾਬ? 63। 63 ਚ ਇਕਾਈ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ? 3। ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਊਗਾ? 3। ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਸਵੰਤ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਵਿੱਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਸ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਥ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਕਿ ਰਿਣਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਘਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਨਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਊਬ ਆਫ ਏ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਰਿਣਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਕੋਈ ਦੱਸੂਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਲਓ, ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ? ਮਾਈਨਸ 3 ਲੈ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਘਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਾਵਰ 3। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਨਾਤਮਕ ਹੋਊਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਆਊ। ਹੁਣ ਉਹ
हल करी है आप अपने वालो चेक करना है माइनस तीन की पावर तीन है मतलब माइनस तीन की किन्नी वाली हूं आप जवाब नहीं देखना आप सिर्फ माइनस प्लस देखना की जवाब प्लस आंदा के नहीं आ माइनस तो इस माइनस का मल्टीप्लाई किया की आया ए प्लस तीजे माइनस अपना का जवाब माइनस आया ए कहते हैं प्लस इन्होंने कहना धनात्मक होंगे पॉजिटिव तब ए स्टेटमेंट की होगी आप दसना की केड़ा इन्हों सही है तेरा गलत होगी हूं दूजी स्टेटमेंट देखिए धन संख्या का धन जिस संख्या हो सकती है क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर मेट या इवन नंबर हो सकती है कि नहीं कोई उदाहरण लो पहला ऑड नंबर टर्म संख्या लो जी लो तीन तीन ठीक उनका की लेना है टू टू कहता जेड़ा उनका जवाब होगा जीरो होगी जिस या इवन नंबर कड़े होंगे है दो चार छे जेड़े दो दे टेबल ते जाने वाले कुछ शामिल ने हूं तीन की घात तीन किन्ना होगा तीन किन्नी वाली तीन वाली तो जवाब की होगा जवाब जिस है जवाब कि एक सौ पच्चीस एवी की होगी कभी भी जिस ईवन नंबर जवाब नहीं आ सकता स्टेटमेंट की होगी तीन अंक की वड्डी तो वड्डी पूर्ण धन तीन अंक मतलब केड़े सौ तीन जिम्मे सौ वेरीफुल उदाहरण सही दी जिम्मे तीन नंबर वाली रकम सौ हां जी एक सौ एक ठीक है जी हूं उन्होंने क्या तीन अंक की वड्डी तो वड्डी तीन अंक की सौ की वड्डी दाने पाए कि जगह घेरती
जे तुहानु याद होवे छेवीं सत्तवीं अठवीं छेवीं सत्तवीं च आपां पैरीमीटर ते एरिए च फर्क देखिया खेतरफल ते परिमाप च फर्क दस्या सी की फर्क हुंदा। चलो हुण आपां देखदे हां जे आपां मान लो मेरे कोल गलास उंदे विच है पानी ते जे आपां गलास दे अंदर दी चीज दा माप देखना होवे ता उदो आपां आयतन देखदे हां जदो फिगरां 3D होण। 3D दा मतलब की हुंदा है दसूंगा। कई बार तुसी कहंदे सुने कि ये चीज 3D है 2D है जी जे मैं आप बनाया बॉक्स के ऊपर जी के ऊपर 3D है की मतलब जी जी ने अंदर भी दीना होवे ते बाहर भी नहीं ये जो सारे साइड स्क्वायर ते रेक्टेंगल 2D है आप कमरा 3D है की फर्क है 2D विच कल्ली लंबाई ते चौड़ाई दो चीजां होंदी है। ਆਪਾਂ ਚਾਰਟ ਲੈਣੇ ਚਾਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬਾਈ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੌੜਾਈ ਆ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਹੈ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ 2D ਹੈ 2 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦੋ ਫਿਗਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ। ਹੁਣ ਆ ਕਮਰੇ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੀ ਹੈ ਚੌੜਾਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਚਾਈ ਵੀ ਹੈ फिर तीन ते नौ फिर तीन ते थ्री
की क्या ने धन क्यूब ना किन्नी किन्नी रकमा का जोड़ा बनाना है तीन दो दा कोई है नहीं जोड़ा तीन दा तीन रकमा का एक जोड़ा बन गया आ दूजा जोड़ा बन गया हुण केड़ी रकम रह गई जोड़े एक दो एक ओने क्या जाही छोटी तो छोटी संख्या पता करो जिस नाल इनू वंडिया जावे वंडिया मतलब केड़ी रकम का जोड़ा नहीं बनता ओनू की कर लो गुणा दो ते तीन नु गुणा कीता यानी कि छे रकम ना जिनो को भाग कर दिए तो ए रकम की बन जूगी पूर्ण धन पूर्ण ना मतलब जे रकम घटा दे फिर आपका सारी रकम दे जोड़े बन ही गए ते हटाण दा मतलब की हुंदा भाग करना समझ लगी भाग करने लई रकम केड़ी चाहिए एक दो ते एक तीन ते एक दो ते तीन